तो जैसा कि आपको पता है पूरे देश में जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया गया है, ऐसे में कुछ राज्य ये बोल रहे हैं कि उनके पास तो वैक्सीन ही नहीं है देने के लिए। खैर वो बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बता रहे हैं कि स्पुतनिक वी जो रशियन वैक्सीन है उसके बारे में एक अपडेट है। वो ये है कि जिस तरह की जो स्मार्टफोन में ऐप होते हैं उसके एक लाइट वर्जन होता है, एक बीटा वर्जन होता है, एक नॉर्मल वर्जन होता है, उसी तरह से अब रशियन मेड वैक्सीन जो है उसका खुद का एक लाइट वर्जन रशिया ने लॉन्च किया है और अपने देश में उन्होंने अप्रूवल भी दे दिया है। आने वाले कुछ समय में वो भारत में उसका प्रोडक्शन करेंगे, ऐसे में इसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे कि आपको पता है कि जितने भी वैक्सीन होते हैं उनमें दो शॉट लगते हैं, किसी में 28 दिन, किसी में 30 दिन के, ऐसे के लंबा लंबा ड्यूरेशन का गैप के बाद वो वैक्सीन लगती है। पर जो जो स्पुतनिक के लाइट वर्जन है वो सिर्फ एक बार लगेगी और वो अब जो कोरोना वायरस से लड़ने में 80% सक्षम है। ऐसे में आपको यह तय करना होगा आने वाले समय में कि आप क्या लगाना चाहते हैं। और हाँ, जब लाइट वर्जन आएगा तो दाम भी कम होगा ही।